नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं जॉब्स टुडे, जहां आपको जॉब्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि DFCCIL जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक जॉब है, वो पोस्ट किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं उसको बताता हूँ कि कैसे उसको फिलअप करना है। तो सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लें और ब्राउज़र जैसे ही ओपन हो उसमें आप टाइप करें DFCCIL। तो यहाँ देखिए, ये ओपन हो चुका है, इसका लिंक ओपन कर लें आप। इसमें जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था, कैरियर सेक्शन में चले जाइए और यहाँ आने के बाद सबसे पहले आप इसमें जो मैंने बताया था कि इसका क्या क्राइटेरिया है, तो वो तो आप उस वीडियो में देख लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है। तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए आप। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लिंक आपको मिलेगा, इसको पूरे को कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद यहाँ पर ओपन करें। जैसे आप यहाँ ओपन करेंगे तो यहाँ सारे इंस्ट्रक्शंस आपके आ जाएंगे यहाँ पर, कैसे क्या जो क्राइटेरिया है। और जैसे यहाँ यहाँ पर आता है सो आप इसको एग्री कर लें और यहाँ जितने क्राइटेरिया दिए हुए हैं वो आप उसके नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। यहाँ आने के बाद इसका रजिस्ट्रेशन का पार्ट खुल जाएगा। उससे पहले आप यहाँ आकर और इसका एडवर्टाइजमेंट ओपन कर लें ताकि आपको आगे आसानी हो। जैसे ही ये ओपन हो जाए तो आप इसे ओपन करें, ओके कर लें। हाँ, यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा कि आपको जो ब्राउज़र हो सपोर्टेड ब्राउज़र हो, सो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ क्लिक करें। एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो डिप्लोमा किए हैं उनके लिए एग्जीक्यूटिव है, और एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर जो है उसमें बैचलर डिग्री वाले फिलअप कर सकते हैं। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव है, इसमें ITI मल्टीटास्किंग में आपका 10th क्लास। सो यहाँ पे आप खुद खुद ले लेगा सारे इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपको खुद का इन्फॉर्मेशन यहाँ फिलअप करना है। पहले अपना नाम डालना है यहाँ पे एज पर योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। सो यहाँ पर ये भरने के बाद यहाँ आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अपना पोस्ट जो अप्लाई कर रहे हैं वो एक बार यहाँ से ज़रूर देख लें, कैसे कहीं ऐसा ना हो कि गलती हो जाए। सो यहाँ पर सारे यहाँ पोस्ट के बारे में दिया हुआ है। सो यहाँ पे A to Z आप यहाँ देख सकते हैं कैसे और क्या आपको फिलअप करना है। सो यहाँ देखने के बाद आप चले आइए इसमें और यहाँ नाम वगैरह भर लीजिए, सेल फोन नंबर डाल लीजिए के बाद ईमेल आईडी यहाँ फिलअप कर लीजिए। यहाँ जैसे ही आप आएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर इमेज डालने के लिए बोला जाएगा, सिक्योरिटी इमेज। उससे पहले आप अपना मिला लीजिए पूरा, ये जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो मैच कर लीजिए। उसके बाद अपना डिटेल और ये जब सब फिलअप हो जाए तो आप यहाँ कैप्चा डालकर यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और आपके ईमेल आईडी पर सेम आपको शेयर कर दिया जाएगा। सो यहाँ डिटेल आ चुके हैं। सो आप पहले अपने ईमेल आईडी ओपन कर लें।
अभी तो ऐसा आया नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक बार रिफ्रेश करके देख लीजिए, ये देखिए हमारा यहाँ आ चुका है। ये जो है हमारा आईडी और पासवर्ड आ चुका है। इसके बाद हम लोग अब आगे प्रोसेस का करेंगे। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको लॉगिन करना होगा। आप आपके सेलफोन और ईमेल आईडी पर सेम मैसेज आएगा, उसे आप आगे का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। यहां तक तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो प्रोसेस है आपको वो यहाँ पर फिर से आप लिंक ओपन करके और यहाँ पर आप आगे अपना प्रोसेस कंप्लीट करें, जैसे कि मैं आप यहाँ कर रहा हूँ। जो आपके ईमेल आईडी पर, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके मुझे बताएं। साथ ही साथ मेरे चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार।